अब देखो ये मीटर सेट है। मीटर सेट को मीटर सेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा क्या होता है, तार होता है। ठीक है, 1 मीटर लंबा तार लगा हुआ है। और ये तार किसका है? इसका पदार्थ क्या है? मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार लगा होता है, ठीक, जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। मीटर सेट से हम किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका जो है ये प्रतिरोध बॉक्स है। क्या है? इसमें तमाम ये चाबियां लगी हुई हैं। तो चाबियों का मतलब है, देखिए अगर ये चाबी हम निकालेंगे तो इसका मतलब इसके बीच का प्रतिरोध 1 ओम हो गया। कितना हो गया? और तमाम इसमें देखो 1, 2, 3, 4 लिखे हुए ना, तो जो चाबी निकालेंगे उतने ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। साथ ही देखिए ये गैलोनोमीटर है, ये जो धारा को मापता है माइक्रॉन में। इसमें देखो मिली एम्पियर या माइक्रॉन में धारा नापता है। ठीक है, समझ में? ये देखिए इसका जो वो दिया है ये 20 माइक्रो एम्पियर तक धारा नाप सकता है। समझ में आई बात? ये इसका इसने अल्पमांग दे रखा, मतलब कहाँ से कहाँ तक नाप, मैक्सिमम कहाँ तक नाप सकता है अल्पमांग में। ठीक है, तो 20 माइक्रो एम्पियर है। अच्छा देखिए इसको जैकी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्म वाले जैकी शराब नहीं है, ये जैकी है। ठीक, अब देखो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सेल का, तो हम पहले लेकलांसी सेल बनाएंगे। लेकलांसी सेल जिससे धारा पैदा होती है बिजली, और इसका प्रतिरोध लगभग 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ये जो आपका एक सेल होता है ना, शुष्क सेल जो बैटरी में लगाते हो, तो एक सेल के बराबर इसे करंट पैदा की जा सकती है। अब देखिए इसके लिए लेकलांसी सेल का निर्माण कैसे करेंगे, तो ये देखिए एक हमने फ्लास्क लिया, इसमें पानी है और ये साल्ट हमारा है अमोनियम क्लोराइड। कौन सा साल्ट है? तो अमोनियम क्लोराइड साल्ट को इसमें डालें, ठीक है, थोड़ी मात्रा। पांच कर दिया कीजिएगा अपने हिसाब से जो कहते हैं। हाँ, इसमें धीरे धीरे ये एसिड जो है अमोनियम क्लोराइड विलयन जो है प्रवेश करेगा। तो इसको इसमें डाल दिया, और ये जस्ते की छड़ है जिंक की ये, ठीक है। तो आप सेल पढ़े हैं ना, इसमें जिंक की छड़ एनोड का काम करती है। किसका काम करती है? और एक कार्बन की छड़ किसका काम करती है? कैथोड। ठीक, अब थोड़ा घड़ी इसमें जो है ये ऑपरेटर हमारा व्यवस्थित हो गया। जैसे हमने ये सब जोड़ उड़ दिया, तो अब देखें हमको प्रैक्टिकल करना है तो हमारा सही है कि नहीं। तो पहले इस साइड में टच कराते हैं, देखो पीछे हो रहा है, इधर हो रहा है, नहीं हो रहा, सुई घूम रही है, करंट आ रहा। फिर इस साइड में टच करा दिए, इधर सटा रहा है तो उधर जा रहा है, इधर सटा रहा है तो पीछे उधर जा रहा है। इधर का काम सुई में देखो भाई, इसको जैकी को हम इधर उधर ले जाते हैं और ऐसे टच करा के ऐसे ले जाएंगे। देखो अब ये पॉइंट देखो, इस पे जो है जहाँ ये एक बैग ध्यान देना है कि जीरो पे आ जाए, आराम से इसको उठाएंगे तो अपने आप जीरो पे हो जाएगा। देखो इसको ऐसे टच कराना, ये पॉइंट देखो कै पे आया, 40 पे, तो 40 नोट कर लेंगे। तो एक साइड से देखो इधर से पढ़ेंगे 40 और इधर से क्या हो गया 60। ठीक, तो ये 100 माइनस एल और एल, जैसे वो सूत्र पढ़ाया गया ना आपको, तो उस सूत्र पे आप इस तरह से मान रख के इसका हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप इसी प्रतिरोध